में चल रहे लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, जिसके बाद दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेज रहे हैं। कई देशों के प्रमुखों ने भारत के साथ आगामी वर्षों में साथ साथ काम करने की इच्छा जताई है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ऐसे में दुनिया भर के नेता मोदी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ पहले विदेशी नेता रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उनके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबांगो, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा, मैं भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बधाई देता हूं। निकटतम पड़ोसी होने के नाते भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर। वहीं इटली के पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट में लिखा, नई चुनावी जीत पर मोदी जी को शुभकामनाएं और अच्छे कामों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि हम इटली और भारत की दोस्ती को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने जारी रखेंगे। वहीं मॉरिशस ने कहा कि संबंध अमर रहे। जी हां, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐतिहासिक जीत और लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई। आपके नेतृत्व में दुनिया सबसे बड़ा लोकतंत्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना जारी रखेगा। मॉरिशस और भारत के संबंध अमर रहे। इसके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबंगे ने लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत पर मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए को बधाई। जैसे जैसे मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं भारत के साथ संबंध मजबूत करने और मिलकर काम करने के लिए काफी उत्सुक हूँ। इसी के साथ पीएम मोदी ने सभी के ट्वीट का रिप्लाई किया, सभी के ट्वीट का जवाब दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएम जॉर्जिया मेलोनी के जवाब में देते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत इटली की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो साझा मूल्य और हितों पर आधारित है। वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए काम करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।